हमीरपुर में सरेआम गोलीकांड से पूरा शहर दहल उठा है। बच्चों के बीच हुआ विवाद के बाद एक खाकीधारी ने सरेआम गोलियां बरसाई। इस गोलीकांड में 4 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है और पुलिस वारदात की जांच में जुटी है। सरेआम गोलीकांड से दहल उठा पूरा शहर। सरेआम गोलीकांड में 4 लोग घायल। बच्चों के विवाद में चली गोली। एक आरोपी यूपी पुलिस का सिपाही। आरोपी की तलाश में पुलिस ने की नाकेबंदी। हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे में सोमवार को सरेआम गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना ने पुलिस की भी नींद उड़ा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और फौरन घटनास्थल पर रवाना हो गई। बच्चों के बीच हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते गोलीकांड में तब्दील हो गया। बच्चों के परिवार एक दूसरे के आमने सामने बंदूक तान कर खड़े हो गए। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने तमंचे और फरसा लेकर उन पर हमला बोल दिया। हमलावरों में एक इरशाद नाम का शख्स भी बताया जा रहा है, जो सिपाही है और उसकी पीलीभीत में तैनाती है। पीड़ित पक्ष ने सिपाही पर तमंचे से फायर करने का आरोप लगाया। बच्चों में झगड़ा हो गया था, हम बचाने के लिए गए तो वो प्लानिंग के साथ आके सब बस मारपीट करने लगी। कोई लाठी लिए था, कोई फरसा लिए था। वो जो पुलिस में है उन्होंने 3-4 फायर किए। किसने? रोजिन। कहाँ के हैं? मोहल्ला का है। मोहल्ला कराने वाला पुलिस में है। उसने फायर 2-3 ठोकर दिए। एक औरत के मैं भीड़ में छापे भी लग गए, थाने चली गई। वो गोली चली है? हाँ, गोली चली है। 3-4 फायर किए उसने। वो अपने आप का गुंडा भी बहुत बड़ा मानता है। आप कहाँ के हैं? हम भी उजनिया मोहल्ला के हैं। बच्चों का झगड़ा है। हमें कोई झगड़ा नहीं है। हमारा उसका नकली हुआ है। छोटे छोटे बेटे थे, बस वो बड़े लोग के आना है। उन्होंने एक साथ में गोली चलाई है। वो सब हमारे साथ आगे ये सब पुलिस में है। अभी मुदनी का लड़का है। उसने बुलाया, उसने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद में उसके बच्चों 2-4 आदमी घायल हो गए। इतना हुई था। हम लोग बच्चे लाठी डंडा फरसा लेके सब लोग एकदम से दौड़ पड़े और मारने लगे। कितने लोग घायल हुए? 4 लोग। सिपाही कहाँ तैनात? तैनात है पीलीभीत में। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक महिला समेत 4 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस को आरोपी इरशाद और उसके साथियों की तलाश है, जिसके लिए पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर दी है। पुलिस की कई टीमें हाईवे पर पेट्रोलिंग भी कर रही है और हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। आज दिनांक 19/1/2020 शाम करीब 6:30 बजे मौधा कस्बे में शाम वो दो परिवार के बच्चे आपस में किसी बात पर झगड़ा कर लिए थे, जिसी बात में बाद में परिवार के बड़े भी शामिल हो गए और एक पक्ष द्वारा कथित रूप से दूसरे पक्ष को गोली चलाकर और अन्य प्रकार से घायल कर दिया गया है। जो घायल पक्ष है उसके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो नामजद आरोपीगण है उसमें से एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। शेष अभियुक्तों के खिलाफ भी दबिश दी जा रही है और जो भी घायल हैं फिलहाल उन सभी को जो प्राथमिक उपचार है वो उपलब्ध कराया जा चुका है और सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर से वर्दी के रौब का खुलासा कर दिया है। आरोपी पर पुलिस की वर्दी का नशा सवार था, जो इस समाज के लिए वाकई घातक है। हमीरपुर से अरुण श्रीवास्तव, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।